दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था, लेकिन दोस्तों ये मैच बारिश की वजह से पूरी तरह रुक गया था। जहां दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय टीम को जहां पहले वनडे में न्यूजीलैंड से करारी हार मिलने के बाद भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से पिछड़ चुकी थी, और ऐसे में भारतीय टीम को दूसरा वनडे मैच किसी भी हालत में जीतना था ताकि भारतीय टीम इस वनडे सीरीज को अपने नाम कर पाए। ऐसे में दोस्तों जब ये मैच चालू हुआ तो उस समय वहां पर मौसम बेहद ही खराब था, और ऐसी संभावना भी लगाई जा रही थी कि वहां पर आज बारिश होगी, और ऐसे में भारतीय टीम का दूसरा वनडे मैच स्विंडन पार्क हिलिम्टन में खेला गया था। और इस दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और जब भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और कप्तान शिखर धवन ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की शुरुआत आज बेहद ही संभली हुई अंदाज में करवाई थी, जहां दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन चौका जड़ा था। जहां शुभमन गिल ने तो इस मैच में एक के बाद एक 3 चौके जड़ दिए थे, और शुभमन गिल आज काफी अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन जब 4.5 ओवर का खेल हुआ था तब तक वहां पर काफी तेज बारिश होने लग गई थी, और उस समय भारतीय टीम ने 22 रन भी बना लिए थे और भारतीय टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा था। जहां इसके बाद बारिश काफी तेज होती रही, और तब तक शुभमन गिल ने 21 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौकों की मदद से 19 रन बना लिए थे, तो वहीं शिखर धवन ने 8 गेंदों में 2 रन बनाए थे। और दोस्तों इस मैच में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव किए थे, और सबसे पहला बड़ा बदलाव संजू सैमसन को हटाकर दीपक हुड्डा को इस मैच में मौका दिया गया था, तो वहीं दूसरा बड़ा बदलाव शार्दुल ठाकुर को हटाकर दीपक चहर को इस मैच में मौका दिया गया। जहां दोस्तों हैमिल्टन के ग्राउंड पर आज काफी तेज बारिश हो रही थी, और जो दर्शक मैच देखने आए थे वो भी एक के बाद एक तेज बारिश की वजह से मैदान छोड़कर बाहर जा रहे थे। हालांकि जब इसके बाद 3 से 4 घंटे बाद वहां पर बारिश रुकी तो तब इस मैच को 50 ओवर से घटाकर 29 ओवर का कर दिया गया था, और जब इसके बाद ये मैच दोबारा चालू हुआ तो इस मैच में भारतीय टीम एक नई रणनीति के साथ उतरी, क्योंकि अब 50 ओवर की बजाय 29 ओवर का मैच होने की वजह से अब इस मैच में भारतीय टीम को तेज बल्लेबाजी करनी थी। और जब इसके बाद शिखर धवन और शुभमन गिल फिर से बैटिंग करने उतरे तो इस बार भारतीय टीम को पहला झटका 23 रन के स्कोर पर ही लग गया, और ये झटका मैट हेनरी ने देकर कप्तान शिखर धवन को आउट कर दिया था, और धवन 10 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद बैटिंग करने सूर्य कुमार यादव उतरे थे, जहां सूर्य कुमार पहले तो इस मैच में काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शुभमन गिल एक के बाद एक अच्छे अच्छे शॉट खेल रहे थे। हालांकि जब इसके बाद सूर्य कुमार यादव की आंखें इस मैच पर जम गई थी तो उन्होंने इसके बाद एक के बाद एक छक्के जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाया। जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी, लेकिन जब 12.5 ओवर का खेल हुआ तो तब वहां पर काफी तेज बारिश होने लग गई थी, और तब तक भारतीय टीम ने 89 रन भी बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर। जहां भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल 42 गेंदों में 1 छक्के 4 चौकों की मदद से 45 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और सूर्य कुमार यादव 25 गेंदों में 3 छक्के 2 चौकों की मदद से 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और दोस्तों इसी के साथ यहां पर एक बार फिर से बारिश होने की वजह से इस मैच को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।